नमस्कार साथियों, वर्तमान समय में लगभग 1.5 वर्षों से हम कोरोना संक्रमण काल के कहर से जूझ रहे हैं। गांव तक ही अपने पैर पसार चुका है और अब एक नई बीमारी का नाम सामने आ गया, ब्लैक फंगस। हर किसी की जुबान पर इसका नाम है। आखिर क्या है ब्लैक फंगस? क्या यह एक नई बीमारी है? नहीं, यह कोई नई बीमारी नहीं है, यह तो पुरानी बीमारी है। परंतु पहले इसकी बात नहीं होती थी क्योंकि यह बहुत कम लोगों को होता था। तो आइए हम जानते हैं कि कोरोना का ब्लैक फंगस से क्या कनेक्शन है, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ब्लैक फंगस क्या है, उसके लक्षण क्या हैं पहचान के, उससे बचाव के उपाय क्या हैं। तो आइए देखते हैं इस छोटे से वीडियो में। लगातार न्यूज चैनल में हम देख रहे हैं कोरोना के बाद ये कौन सी बीमारी जिसमें आंख निकालनी पड़ रही। न्यूज़पेपर में देख रहे हैं ब्लैक फंगस संक्रमित के 9 दांत और जबड़े की हड्डी को सर्जरी के द्वारा निकाला गया। क्या है यह ब्लैक फंगस? म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस, यह एक फंगस से होने वाली बीमारी है। यह हमें तभी अपनी चपेट में लेती है जब हमारा इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो। इसीलिए कहा गया है कोरोना से ठीक होने वाले मरीज सावधान रहें, क्योंकि आंखों की रोशनी तक छीन सकता है यह ब्लैक फंगस। डेथ तक हो सकती है इस बीमारी से। म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस इतनी खतरनाक बीमारी है कि इसमें व्यक्ति को सीधे आईसीयू की जरूरत पड़ती है। कोरोना से ठीक हुआ व्यक्ति अगर इसकी चपेट में आता है तो समय पर इलाज ना मिलने पर उसकी जान भी जा सकती है। इस बीमारी में मरीज के बचने की संभावना 50% होती है। महाराष्ट्र और गुजरात के बाद अब अन्य प्रदेशों में भी यह बीमारी अपने पैर पसार। इस बीमारी से बहुत ज्यादा डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, परंतु हाँ, सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना से रिकवर हुए मरीज को कई बार सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। यह फंगस नाक या मुंह से प्रवेश करता है और यह इंफेक्शन नाक के ऊपर जाकर साइनस को प्रभावित करता है। आप चित्र में देख रहे हैं, नाक से प्रवेश करके यह ऊपर साइनस को प्रभावित करता है। इस बीमारी में चेहरे के एक हिस्से में सूजन, आंख में सूजन, और अगर समय पर इसका उपचार ना हो तो यह मस्तिष्क तक में प्रवेश कर सकता है। तो इस तरह यह एक डराने वाली खबर है और इस कारण सावधान रहना बहुत आवश्यक है। आगे और भी लक्षण देखते हैं। नाक और आंख के आसपास दर्द और लाल हो, चेहरे का एक हिस्सा सुन्न हो या सूज जाए, छाती में दर्द और सांस लेने में तकलीफ हो, खून की उल्टियां, सांस फूलना, ये सभी ब्लैक फंगस के लक्षण हैं। प्रारंभिक अवस्था में ही इसे पहचान कर तुरंत ही अपने फैमिली डॉक्टर से या आई स्पेशलिस्ट से कॉन्टेक्ट किया जाना बहुत जरूरी है। ब्लैक फंगस आमतौर पर डायबिटीज के मरीजों को ज्यादा होती है। वही जो डायबिटीज से पीड़ित नहीं है वह इस संक्रमण से बच जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ब्लैक फंगस उन लोगों को संक्रमित कर रहा है जो पहले से दवाइयां ले रहे हैं और हवा में मौजूद रोगाणुओं से लड़ने में कम सक्षम है। सांस लेने पर फफूंद फेफड़ों को संक्रमित कर देती है और यह COVID-19 के मरीज, डायबिटीज और कम प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को सबसे पहले और सबसे ज्यादा संक्रमित कर रहा है। तो इस तरह जिनका अनियंत्रित मधुमेह हो, जिनकी स्टेराइड के इस्तेमाल से रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ गई हो, जिनका अंग प्रत्यारोपण हुआ हो या जो लंबे वक्त से आईसीयू में हो, ऐसे लोगों को ब्लैक फंगस अपनी चपेट में ले रहा है। ब्लैक फंगस से बचाव के लिए हम मास्क पहनकर धूल भरी जगह पर जाएं, मिट्टी या खाद का काम करने से पहले अपने हाथों में ग्लव्स लगाएं, शरीर को पूरी तरह से ढकने वाले कपड़े और जूते पहने और अच्छी तरह से शरीर को घिस कर नहाएं, हाथों को अच्छे से साफ। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के डॉक्टर देवांग गुप्ता के अनुसार हमारे यहाँ रोज 5 से 10 मरीज म्यूकोरमाइकोसिस के आ रहे हैं, खास तौर से COVID-19 महामारी की दूसरी लहर के बाद। तो इस तरह से ब्लैक फंगस और कोरोना वायरस का कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। डॉक्टर लहाने के अनुसार ब्लैक फंगस रोग में
एंटीफंगल मेडिसिन के रूप में इंजेक्शन लगाने होते हैं। ये इंजेक्शन का उपचार 21 दिनों तक देना होता है और इसका उपचार बहुत महंगा है क्योंकि प्रत्येक इंजेक्शन की कीमत लगभग 9000 रुपए आती है। तो इस तरह से अगर ब्लैक फंगस से बचना है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा तंत्र अच्छा हो, क्योंकि ब्लैक फंगस उन्हीं को अपना ग्रास बनाता है जिनको कोरोना वायरस के उपचार के लिए स्टीरॉइड दिया गया हो, और स्टीरॉइड के ज्यादा सेवन से इम्यूनिटी कम होती है, या फिर जिनके अंदर इम्यूनिटी पावर कम है या जिनके अंग प्रत्यारोपण हुए हों, तो इस तरह कोरोना वायरस से और ब्लैक फंगस से बचाव के लिए जरूरी है प्रतिरक्षा तंत्र का मजबूत हो। कोरोना संक्रमण काल के दौर में भी हमारे देश के कुछ हिस्सों की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है, ना मास्क लगाया गया है। आखिर कब सुधरेंगे हम? इन आंकड़ों को देखें। हमारे देश में कई ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 50% से 91% के बीच है। हमारे देश के लिए नहीं, हमारे समाज के लिए नहीं, तो कम से कम अपने परिवार को ब्लैक फंगस से बचाने, COVID-19 से लड़ाई के लिए अपना योगदान दें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों को सैनिटाइज करें, मास्क लगाएं। धन्यवाद।